एडेक्स का ECPM तो इंक्रीज़ हो गया लेकिन वो मेंटेन नहीं हो रहा। बहुत से लोगों के सवाल आ रहे थे मेरी पिछली वीडियो पे, जिस पे मैंने आपको बताया था कि एडेक्स में ECPM किस तरह से इंक्रीज़ करें। बहुत से लोगों का $100 क्रॉस हुआ, मेरे पास काफ़ी मैसेजेस आए, $150 हो गया, $100 हो गया, लेकिन मेंटेन नहीं हो रहा। अगर आपने उस वीडियो को गौर से सुना हो तो उसमें मेंटेन करने का भी मैंने एक आपको फार्मूला बता दिया था। तो सबसे पहले मैं आपको अपना भी जो है जो भी फार्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, एडेक्स के होम पेज पे चलते हैं ताकि आपको देखकर अच्छा भी लगे और हम आपके साथ फार्मूला भी शेयर करें। उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप कुकीज़ यूज़ करके 5 क्लिक लगाएंगे अपनी वेबसाइट पे, वहाँ पे फॉर्म फिल करेंगे तो आपका CPM बढ़ जाएगा। वो मेथड जिसने नहीं देखा जाके देख ले, वर्किंग मेथड था, लोगों का जो है 100% ECPM इंक्रीज़ हुआ। इशू ये था कि मेंटेन किस तरह करें। उसमें मैंने आपको बताया था कि आपने फिर उसके बाद जितने भी आपने प्रॉक्सीज़ लगानी उससे क्लिक भी देना है। तो अब उस फॉर्मूले को हम समराइज़ कर लेते हैं। उस मेथड को आपने यूज़ किया, ECPM इंक्रीज़ हुआ, अपडेट हो गया, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने डेली 20 प्रॉक्सियाँ लगानी है, हर प्रॉक्सी से 10 पेज व्यू करने हैं और 1 क्लिक लगाना है। और क्लिक जब लगाएंगे उस वेबसाइट पर आपने फॉर्म भी फिल करना है। तो डेली आपने 20 प्रॉक्सी से ये काम करना है और उसके बाद आप देखेंगे कि आपका CPM भी मेंटेन रहेगा। ये काम आपने करना है टोटल 10 दिन। ये काम आप 10 दिन करेंगे, कुकीज़ वाला मेथड 10 दिन यूज़ करेंगे और उसके साथ ये जो तरीका मैंने आपको बताया ये 10 दिन यूज़ करेंगे। आप देखेंगे कि आपका CPM अप डाउन होगा लेकिन मेंटेन रहेगा। उसके जो अगले 20 दिन होंगे पूरे महीने के, उसमें आपने क्या करना है? उसमें आपने सिर्फ़ और सिर्फ प्रॉक्सीज से आपने 10 पेज देखने हैं और 1 क्लिक दे के फॉर्म फिल करना है। अब उन 20 दिनों में आपने कुकी का इस्तेमाल नहीं करना। उसके बाद आप देखेंगे कि 1 महीना गुजरने के बाद आपका ECPM मेंटेन रहेगा, आपको क्लिक देने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इंप्रेशंस देना शुरू करेंगे, CPM खुद ब खुद बूस्ट हो जाएगा। इसकी लाइफ एग्जांपल मैं आपको अपने एडेक्स अकाउंट में लेके चलता हूँ और आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ आज टुडे, रिफ़्रेश करके भी दिखा देता हूँ। टुडे मेरा कोई भी क्लिक नहीं लगा, CPM आपके सामने है, $30 के अराउंड CPM है। इसी तरह से यस्टरडे क्लिक नहीं लगा, CPM आपके सामने है। कस्टम डेज पे चलते हैं, अब हम चलते हैं 11 मई, 3 क्लिक यूनाइटेड स्टेट से, CPM आप देख लें आपके सामने हैं। अब हम चलते हैं 12 मई, इसके बाद जो इसका भी आपको देख लेते हैं कितने क्लिक्स लगे हैं। ये 3 क्लिक, 2 यूनाइटेड स्टेट से, 1 इंडिया से, ऑर्गेनिक, CPM आपके सामने। उसके बाद 13 मई, 8 क्लिक लगे हैं, CPM आपके सामने। उसके बाद मेरा जो है यहाँ पे 30 दिन का मेथड यहाँ पूरा हो चुका था। और उसके बाद आप देखें CPM देखें और आप देखें एक भी क्लिक नहीं लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे फिर CPM दिखा देता हूँ आपको, देखें CPM देखें, क्लिक 0। उसके बाद नेक्स्ट डे यहाँ पर कितने क्लिक्स आएँ, 2 क्लिक यहाँ पे आए हैं, CPM आपके सामने। और इसी तरह से यस्टरडे CPM चेक करें, क्लिक 0। टुडे देख लेते हैं, CPM आपके सामने हैं और आज भी क्लिक नहीं लगा है। और इंप्रेशंस देखें कितने दिए, CPM नहीं गिरा, मेंटेन रहा है। तो ये फार्मूला यूज़ करें जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट सब तक बताया है और आप देखेंगे कि आपका CPM बढ़ेगा भी, इंक्रीज़ भी होगा और बगैर क्लिक दिए वो 1 महीने के बाद मेंटेन भी हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि ये मेथड मैंने आपको लाइव प्रूफ दिखाया, बगैर क्लिक के बढ़ा है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ ब्राउज़र शेयर करने वाला हूं जिसके थ्रू सारे काम मैं करता हूं, जो पिछली वीडियो में मैं नहीं कर सका था क्योंकि मेरा प्लान ख़त्म हो गया था। वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।